नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपूत और स्वागत है आपके अपने चैनल विपुल एजुकेशन। दोस्तों, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम जो कि बहुत जल्द होने वाला है, जनवरी में 3 जनवरी से 13 जनवरी जो डेट दे रखे है उसमें होने वाला है। तो जो भाई और जो बहनें पहली बार ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, यानी जिन्होंने अभी MA या फाइनल ईयर में या BED के फाइनल ईयर में एग्ज़ाम दे रहे हैं या पहली बार जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास है। क्योंकि इस वीडियो में फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर जो कि GK का पेपर होता है उसका लेके आया हूँ, 2015 के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था वो पेपर। तो इससे आपको यह सहायता मिलेगी कि आप जान पाओगे कि एग्ज़ाम जो है कैसा होता है, मतलब सिलेबस आपको पता है कि कैसा होता है, लेकिन ये आइडिया हो कि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो वो आपके बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि आपको पता है कि भाई एग्ज़ाम में हमें सिलेबस पता होता है, लेकिन एक बार ये अंदाज़ा लग जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन पीछे आए हुए हैं तो हम उस हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। तो आज जो है 2015 का जो GK का पेपर लगा था वो मैं लेके आया हूँ। आज से आप जो है अपना विश्लेषण कर लीजिए कि किस पार्ट में से कितने कितने क्वेश्चन आए, कैसे कैसे क्वेश्चन आए, ठीक है दोस्तों। तो आपको वीडियो देखना है शुरू से लास्ट तक, जिसको आपको पूरी जानकारी मिल सके। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। देखो, ये है प्राध्यापक स्कूल परीक्षा पेपर GK फर्स्ट। आप देखो, सबसे पहले पहला क्वेश्चन है मैथ का, एकार के पहिए का व्यास 84 सेमी, ठीक है। 1 2 3 4 क्वेश्चन मैथ के दिए, ठीक है, शुरुआत के 4 क्वेश्चन मैथ के। इसके बाद देखो, पांचवा क्वेश्चन बोगीलाल पांड्या यानी राजस्थान हिस्ट्री से है, एक क्वेश्चन राजस्थान हिस्ट्री का दे दिया। फिर मैथ के 6 7 2 मैथ के दे दिए, और फिर 2015 यानी करंट GK का, 2016 करंट GK का 10, यानी 3 क्वेश्चन फिर करंट GK के, फिर मैथ का दे दिया क्वेश्चन, फिर करंट GK का, फिर करंट GK का, और फिर करंट GK का, और फिर ये देखिए 15 16 17 दो साइंस के क्वेश्चन है, फिर करंट GK का क्वेश्चन है, फिर करंट GK का क्वेश्चन है, ये साइंस का क्वेश्चन है, और फिर साइंस का है, साइंस के फिर साइंस के क्वेश्चन दे रखे हैं दोस्तों। हाँ, 22 तक साइंस के, फिर 23 नंबर देखिए हिंदी का क्वेश्चन है, हिंदी और ये हिंदी का। तो चलो अपने जो है टिक मार्क करना शुरू करते हैं कि कितने क्वेश्चन किस किस पार्ट के। तो सबसे पहला जो पार्ट है हम लेते हैं मैथ का, ठीक है। तो मैथ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन मैथ का, 2 नंबर क्वेश्चन मैथ का, 3 नंबर क्वेश्चन मैथ का, 4 नंबर क्वेश्चन मैथ का, 4 क्वेश्चन मैथ के, और फिर 6 नंबर क्वेश्चन मैथ का यानी 5, और ये एक और यानी 4 2 6 क्वेश्चन मैथ के हो गए, और ये एक और में क्वेश्चन मैथ का, 7 क्वेश्चन मैथ के 7। थोड़ा पहले सबसे पहले मैथ वाले क्वेश्चन देख लेते हैं कितने आए हैं इस पेपर में। नीचे चलते हैं, ये एक और क्वेश्चन मैथ का आ रखा है यहाँ पर 8, और ये एक और है 9, ये एक और 10, तो 75 में से दोस्तों 10 क्वेश्चन मैथ के दे रखे हैं। कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन। तो आपको मैथ का पार्ट मिला कितने? 10 क्वेश्चन। चलो अब करंट GK के क्वेश्चन देखते हैं, करंट GK क्वेश्चन देखते हैं। करंट GK का 8वां, 1 2 3 4 आपके 5 6 7 7 क्वेश्चन आपको मिल गए, ठीक है। तो ये आपके 7 क्वेश्चन आपको मिल गए, ठीक है। तो करंट 10 मैथ के और 7 करंट के, 17 क्वेश्चन। अब चलो देखते हैं हिस्ट्री के, 1 2 3 4 5 6 7
आठ। हाँ ये और दो करंट जीके के और आ गए, यानी नौ क्वेश्चन आ गए आपके, ये 12 क्वेश्चन हो गए करंट जीके के, और एक और ये आ गया 13, 13 करंट जीके के। तो इस प्रकार कोई अंदाज़ नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि ये जो है ये पूरा पेपर है आपके सामने, मैं देख देता हूँ। अगर आपको किसी को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में या आप व्हाट्सएप पर भी मुझसे ये पेपर मांग सकते हैं। ये पूरा पेपर है 75 क्वेश्चनों का, आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि इस प्रकार मैथ के, आपके साइंस के, रीजनिंग के, करंट जीके के, हिस्ट्री के, पॉलिटिकल साइंस के और हिंदी के भी क्वेश्चन है इसमें, और टीचिंग मेथड की, शिक्षा जो शिक्षा शास्त्र है, शिक्षा स्कूल प्रबंधन जिसे कहते हैं, स्कूल मैनेजमेंट, उसके क्वेश्चन भी इसमें दे रखे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूले, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।